हिंदी कॉमिक्स नागू का द्वीप। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। रूपनगर के राजा मार्कंडेय सेन को एक विषैले सांप ने डस लिया। दासी सुनैना तब वही थी। हाँ, ये महाराज को सांप ने डस लिया। दासी चीखती हुई बाहर भागी। महाराज को सांप ने डस लिया। आनंद फनन में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राजमहल में फैल चुकी थी। क्या महाराज को सांप ने डस लिया? कोई राजवैद्य को बुलाने भाग उठा और जब ये खबर लगान वसूल करने गए राजकुमार विक्रम सेन को लगी तो क्या पिताजी को सांप ने डस लिया। वह तुरंत अपने घोड़े पर सरपट राजमहल की तरफ भाग लिया। राजमहल में पिताजी तो सचमुच मृत्यु शैया पर पड़े हैं। वह उतावले स्वर में राजवैद्य से बोला, जल्दी कीजिए राजवैद्य जी, किसी भी तरह महाराज के शरीर से विष निकालने की कोशिश कीजिए। मैं महाराज को हर प्रकार की जड़ी बूटियां दे चुका हूं कुमार, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज पर कोई औषधि असर क्यों नहीं कर रही। तो क्या इस विष का कोई काट नहीं राजवैद्य? ऐसा मैं नहीं कह सकता कुमार, किंतु मेरी किसी भी औषधि का इन पर असर नहीं हो रहा है। मैं इनका जहर नहीं उतार सकता। हाँ, अगर बाबा भैरवनाथ यहाँ आ जाए तो। यह बाबा भैरवनाथ कौन है राजवैद्य जी? बाबा भैरवनाथ क्या है और कौन है यह आज तक कोई नहीं जान सका। ये बाबा कहाँ से आया और कब राज्य के पश्चिम में कुटिया बनाकर रहने लगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये पक्का है कि वह सर्प विष का बहुत अच्छा विशेषज्ञ है। राजवैद्य की बात सुनते ही राजकुमार विक्रम सेन बाहर की तरफ चल दिया। मैं अभी बाबा भैरवनाथ को लेकर आता हूँ। राजकुमार विक्रम सेन अपने घोड़े पर बैठा और राज्य के पश्चिम की तरफ स्थित जंगलों की तरफ चल पड़ा। जल्दी ही तो यह है बाबा भैरवनाथ की कुटिया। अजीब मनुष्य है यह, इतने घने जंगल में रहता है। राजकुमार विक्रम सेन जैसे ही आगे बढ़ा उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, सीधे कुटिया में चले आओ कुमार, हम यही उपस्थित हैं। आवाज कुटिया से आ रही थी। आवाज का पीछा करता जब राजकुमार कुटिया में घुसा तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गया। हे भगवान, बाबा चारों तरफ से नागू से घिरे हैं। किसी अज्ञात भय से प्रेरित होकर विक्रम सेन का हाथ अपनी तलवार की तरफ रेंग गया, लेकिन इससे पहले विक्रम सेन तलवार निकाल पाता, अरे नाग के विषैले दांत विक्रम सिंह की तरफ बढ़े। मगर तभी भैरवनाथ की आवाज गूंज उठी, नहीं विषदत्त नहीं, ये युवक हमारा अतिथि है। फिर नाग भैरवनाथ के आदेश से विक्रम सेन के हाथ से उतरा और एक तरफ रेंग गया। तुमने तलवार निकालने की गलती की थी युवक। क्षमा करें बाबा, मैं तलवार किसी गलत उद्देश्य से नहीं निकालनी चाहिए थी। आपको मैंने सांपों से घिरे देखा तो सोचा आपको मेरी मदद की आवश्यकता है। हम तुम्हारे साहस से प्रसन्न है युवक, लेकिन ये सारे सर मेरे दुश्मन नहीं, मेरे सेवक है। समझा। अब तुम यहाँ आने का तात्पर्य बताओ युवक। बाबा भैरवनाथ के पूछने पर विक्रम सेन ने सारी बातें बता दी। तो तुम रूपनगर के राजकुमार हो और महाराज को किसी ऐसे सर्प ने डस लिया है जिसका विष किसी से नहीं उतर रहा। जी बाबा। सारी स्थिति समझकर बाबा भैरवनाथ ने अपनी पोटली उठाए और विक्रम सेन के साथ चल पड़ा। जल्दी ही दोनों राजमहल में थे। महाराज के कक्ष में पहुँचते ही भैरवनाथ ने आदेश दिया, राजकुमार को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति कक्ष से बाहर चले जाए। जब सब बाहर चले गए तो बाबा ने विक्रम सेन को कक्ष का दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। दरवाजा बंद होने के बाद बाबा भैरवनाथ राजा का निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण करते करते बाबा भैरवनाथ अचानक गंभीर हो उठे। क्या हुआ बाबा, आप अचानक गंभीर क्यों हो उठे? समस्या ही ऐसी है पुत्र। समस्या? कैसी समस्या बाबा? समस्या यह है कुमार कि तुम्हारे पिताजी का विष कोई भी वैद्य या हकीम नहीं उतार सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। क्या ये सत्य है कुमार? क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जिस सर्प ने डसा है वह कोई मामूली सर्प नहीं,
बल्कि स्वयं नागलोक का नाग राजकुमार विषधर है। नागलोक का राजकुमार विषधर? हाँ कुमार। मगर उसने मेरे पिताजी को डसा क्यों? क्या दुश्मनी थी उसकी मेरे पिताजी से? लेकिन बाबा भैरवनाथ उत्तर दे पाते इससे पहले ही अच्छेत महाराज के मुंह से अट्टहास निकल पड़ा। हा हा हा, हे भगवान, ये क्या, ये तो पिताजी की आवाज नहीं लगती। अभी दोनों आश्चर्य के सागर में गोते ही लगा रहे थे कि अचेत राजा फुफकारते स्वर में बोला, तुमने ठीक पहचाना विक्रमसेन, मैं स्वर्ण नागलोक का राजकुमार इच्छाधारी नाग विषधर हूँ। मम अगर तुमने महाराज को क्यों दसा, इसके अपराध का यही दंड था भैरवनाथ। कौन सा अपराध किया था महाराज ने? परंतु उत्तर देने के स्थान पर अचेत महाराज के मुंह से विषधर का जोरदार अट्टहास गूंज उठा। हा हा हा, अपनी ऐसी उपेक्षा देख भैरवनाथ गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर महाराज के बाल पकड़े और झंझोरते हुए बोले, मेरा मजाक उड़ाता है मूर्ख। अरे तू इच्छाधारी नाग होगा तो होगा, मेरा नाम भी भैरवनाथ है। जाने कितने इच्छाधारी नाग मेरे सेवक हैं, तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। एक कराह के साथ अचेत राजा के मुंह से निकला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैरवनाथ, लेकिन मैं अब फिर भी तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे दूंगा। बात उस समय की है जब मैं मनुष्य योनि में तुम्हारे राज्य के पश्चिम में स्थित जंगलों में एक झील कबीले में रहता था। मेरी प्रेयसी का नाम रूपा था। यूं तो रूपा भी हमारे कबीले की लड़की थी, मगर उसकी सुंदरता किसी अप्सरा को भी मात करती थी। मैं उससे हमेशा कहता रहता, तुम अति सुंदर हो प्रिय। मेरी बात सुनकर वह शर्मा जाती। हमारे दिन हंसते खेलते प्रसन्नता से गुजर रहे थे और शायद गुजरते ही रहते अगर हम उसे दिन झील के किनारे ना जाते। प्रिय कंटक, क्या तुम झील में उगे उस कमल को लाकर मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिय। तुम किसी वस्तु की इच्छा करो और मैं ना लाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं रूपा को वहीं किनारे पर बैठी छोड़कर झील में घुस गया। अभी मैं कमल तोड़ भी नहीं पाया था कि मुझे पास ही घोड़े की टाप सुनाई दी। घोड़े की टाप कौन हो सकता है? मैंने किनारे की तरफ नजर उठाकर देखा तो वहां घोड़े पर एक राजा को खड़े पाया। महाराज यहाँ मेरे देखते ही देखते महाराज अपने घोड़े से उतरे और रूपा के पास पहुंच गए। वाह क्या सुंदरता है, वाह। मैं तो यहाँ घोड़े को पानी पिलाने आया था, मुझे क्या पता था यहाँ मेरी किसी स्वर्ग की अप्सरा से मुलाकात हो जाएगी। ऐसा कहकर महाराज ने रूपा का हाथ पकड़ लिया। मेरी पटरानी बनना स्वीकार करोगी सुंदरी? वह दृश्य देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं तुरंत झील से बाहर आया और महाराज को ललकारने लगा, सावधान राजन, रूपा का हाथ छोड़ दो वरना मैं इससे पहले कुछ कर पाता। महाराज ने तलवार निकाली और अप्रत्याशित ढंग से मुझ पर वार कर दिया। ये ले मूर्ख, मैं अचेत अवस्था में नीचे गिर गया। रूपा कंटक, रूपा अचानक झील की तरफ भागी। ठहरो सुंदरी, आगे मौत है। लेकिन रूपा ने एक नहीं सुनी और गहरी झील में छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा महाराज वहां से जा चुके थे। मैंने रूपा की खोज में इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जैसे ही मेरी दृष्टि झील में तैरती रूपा की लाश पर पड़ी तो मेरे कंठ से चीख निकल गई, नहीं यही। मैं झील में कूद गया और फिर रूपा की लाश को झील में से निकालकर मैंने लकड़ियां इकट्ठी की और रूपा का क्रियाकर्म कर दिया। रूपा की चिता की अग्नि से भयंकर मेरे सीने में अग्नि धधक रही थी। तेरी चिता की कसम रूपा, मैं उस निर्दयी राजा से बदला जरूर लूंगा। जब चिता की अग्नि ठंडी हो गई तो मैं वहीं बैठकर तपस्या करने लगा। ओम नमः शिवाय, कई वर्षों मैंने वहीं झील के किनारे घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आखिर मेरा परिश्रम रंग लाया। एक दिन भगवान शिव ने मुझे स्वयं दर्शन दिए। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, तुम मांगो, क्या वर मांगते हो? मैंने भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं इच्छाधारी नाग में परिवर्तित हो जाऊं। भगवान शिव मेरी बात सुनकर थोड़ी देर सोच में डूब गए, फिर बोले,
तथास्तु। भगवान के इतना कहते ही मैं नाग में बदलने लगा। आप धन्य है प्रभु, आपने मुझे इच्छित वर देकर कृतज्ञ कर दिया। मेरा इतना कहते ही भगवान शिव अंतर्यधान हो गए और मैं राजमहल की तरफ लौटा अपना बदला लेने। अब तू नहीं बचेगा मार्कंडेय सेन। और इस तरह यहाँ आकर मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। तो यह कहानी है तुम्हारी। हाँ भैरवनाथ, अगर मैं चाहूँ तो महाराज को एक पल में ही समाप्त कर दूँ, मगर मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता। मैं इसे तड़प तड़प कर मारूंगा, इसके प्राण रोज कम होते रहेंगे। ज्यो ज्यो इसकी अचेतावस्था के दिन बढ़ेंगे, त्यों त्यों इसकी जिंदगी कम होती जाएगी। हा हा हा। तभी भैरवनाथ होठों ही होठों में बुदबुदाने लगे। अरे बाबा को क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वह विक्रम सेन से बोले, विक्रम सेन, यदि तुम अपने पिताजी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें नागों के द्वीप में जाना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? आपको मालूम नहीं कि विषधर हमारा हर वाक्य सुन रहा है? उसकी चिंता मत करो कुमार, मुझे सारी स्थिति का पता है, इसलिए मैंने अपने और तुम्हारे पिताजी के आसपास मंत्रों से एक रेखा खींच दी है। अब हमारी आवाज विषधर तक कतई नहीं पहुंच सकती। और अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कुमार की, अगर तुम किसी तरह नागू की द्वीप पर जाकर नाग देवी की आंख में जड़ी नागमणि ले आओ तो फिर हमारी शक्तियाँ भी विषधर के बराबर हो जाएगी। लेकिन बाबा, मैं नागू के द्वीप पर पहुँचूंगा कैसे? मैं अपने सेवक इच्छाधारी विषदत्त को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। चूंकि विषदत्त कभी नागू के द्वीप का ही निवासी था, इसलिए वह तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। इतना कहकर बाबा भैरवनाथ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुमने नागू के द्वीप पर पहुंचकर अपने प्राण बचाने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि जो जो दिन बढ़ेंगे तुम्हारे पिता की मृत्यु और नजदीक आती जाएगी। मैं ध्यान रखूंगा बाबा। फिर बाबा भैरवनाथ ने हाथ उठाकर कहा, विषदत्त प्रकट हो। अगले ही पल विषदत्त वहाँ था। क्या आज्ञा है स्वामी? विषदत्त, तुम तुरंत कुमार को लेकर नागू के द्वीप की तरफ रवाना हो जाओ। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल वह इच्छाधारी नाग मनुष्य रूप में परिवर्तित हो रहा था। आए कुमार। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर नागू के द्वीप की तरफ चल पड़े। जल्दी ही हम नागू के द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं कुमार, हमें अब सावधान रहना होगा। विषदत्त विक्रम सेन को लेकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नागू के द्वीप पर खतरा सिर्फ नीचे ही नहीं ऊपर भी था। और जब तक वो समझ पाते अपने गले में पड़ा नागपाश विक्रम सेन को पल प्रति पल पसता जाता लग रहा था। और जैसे ही विषदत्त की निगाह उस पर पड़ी, विक्रम सेन के प्राण खतरे में। अगले ही पल इच्छाधारी सांप अपने असली रूप में था। अब दो नाग शक्तियां आपस में टकरा रही थी। जल्दी ही इधर विक्रम सेनन भी नाग शक्तियों से टकराने का भरपूर प्रयास कर रहा था। जल्दी उफ, मृत्यु के इतने पास से मैं सकुशल लौट आया, विश्वास नहीं होता। यहाँ खड़े रहकर समय गवाने का समय नहीं है कुमार, आगे बढ़ो। अगर यहाँ हुए तमाशे की नाग सेना को खबर लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। अभी हमें और कितनी दूर जाना होगा विषदत्त? बस पास ही नाग देवी का मंदिर है, कुछ ही देर में हम वहाँ होंगे। जल्दी ही दोनों नाग देवी की विशाल मूर्ति के सामने थे। यही है नाग देवी, मैं अभी मणि प्राप्त करता हूँ। विक्रम सेन मणि प्राप्त करने आगे बढ़ा, मगर तभी विषदत्त चेतावनी भरे स्वर में चीख उठा, ठहरो कुमार, क्या हुआ विषदत्त? अगर तुम समझ रहे हो कि यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम मणि को आसानी से प्राप्त कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। हाँ राजकुमार, तुम जैसे ही मणि प्राप्त करने के लिए मणि को हाथ लगाओगे, वैसे ही देवी के मुंह से निकलकर एक इच्छाधारी नाग तुम पर झपटेगा, उससे बिना लड़े तुम मणि प्राप्त नहीं कर सकते। और विषदत्त की बात सुन विक्रम सिंह थोड़ी देर सोच में डूब गया, फिर दृढ़ स्वर में बोला, मुझे यह मणि किसी भी कीमत पर प्राप्त करनी है। मैं इसके लिए किसी इच्छाधारी सांप क्या यम से भी
टकराने को तैयार हूँ। तो ठीक है कुमार, देवता का नाम लेकर आगे बढ़ो। तुरंत ही विक्रम सेन मूर्ति के चबूतरे पर चढ़ सावधानी से नाग देवी की मूर्ति पर चढ़ता चला गया। ये रही मणि। लेकिन जैसे ही विक्रम सेन ने मणि को छुआ, नाग देवी के मुंह से निकले नाग ने जोरदार फुफकार छोड़ी। अगले ही पल वह इच्छाधारी नाग भी नीचे कूद गया, और इससे पहले विक्रम सेन संभल पाता वह नाग एक बलिष्ठ पहलवान में परिवर्तित हो गया। अब विक्रम सेन और पहलवान रूपी इच्छाधारी नाग आमने सामने थे। विक्रम सेन ने उछलकर अपनी दोनों लात उसकी छाती पर जड़ दी। हा हा हा। मगर परिणाम उफ। और इससे पहले कि विक्रम सेन दोबारा संभल पाता, उफ कुमार तो बुरी तरह पीट रहा है, मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता। नाग देवी के समक्ष मेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ व्यर्थ है। दीवार से टकराते ही विक्रम सेन को लगा कि उसकी चेतना लुप्त होती जा रही है। इधर वह इच्छाधारी नाग फिर अपने असली रूप में आ चुका था। वह अपना फन फैलाए विक्रम सेन की तरफ बढ़ा। तभी विषदत्त चीख उठा, उठो कुमार उठो, इसकी पूंछ से इसको काबू में करने का प्रयत्न करो। विषदत्त की आवाज सुनकर विक्रम सेन में जैसे नई शक्ति का संचार हुआ। वह एक झटके से उठा, और यही वह पल था जब इच्छाधारी नाग उस पर छलांग लगा चुका था। बचा। एक बार वह इच्छाधारी नाग फिर उछला, और इस बार खुद को बचाते हुए विक्रम सेन ने इच्छाधारी नाग की पूंछ पकड़ ली। आ गई हाथ में। पूंछ हाथ में आते ही विक्रम सेन ने उसे तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। अब अगर मैंने इसे संभलने का मौका दिया तो मेरा अंत होकर ही रहेगा। वह इच्छाधारी नाग कुछ करने का प्रयत्न जरूर कर रहा था, मगर घूमते होने के साथ उसका मस्तिष्क भी घूम रहा था। अगले ही पल विक्रम सेन ने उस इच्छाधारी नाग को घुमाते हुए दीवार से मारना शुरू कर दिया, और कुछ ही क्षणों में खत्म हुआ। शाबाश कुमार, अगर तुमने बुद्धि से काम नहीं लिया होता तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। अब तुम नाग देवी की मणि पाने के हकदार हो। तुरंत ही विक्रम सेन नाग देवी की मूर्ति पर चढ़ा और मणि निकाल कर विषदत्त के साथ वापस चल पड़ा। इधर राजमहल में अभी तक विषदत्त और विक्रम सेन नहीं आए, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। तभी नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम सकुशल पहुंच गए हैं। तुरंत ही बाबा भैरोनाथ ने विक्रम सेन से नागमणि लेकर उसे गंगा जल में घिसा और महाराज को पिला दिया। अगले ही क्षण महाराज के मुंह से एक सांप निकलकर जमीन पर आ खड़ा हुआ। उसने तुरंत ही बाबा भैरोनाथ पर छलांग लगा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भैरोनाथ। लेकिन तब तक बाबा भैरोनाथ हाथ की नागमणि मुंह में रख चुके थे। नागमणि मुंह में रखते ही बाबा भैरोनाथ भी नाग में बदल गए। आओ विषधर, मैं भी देखूं तुझ में कितनी शक्ति है। अब दो महाशक्तियां आपस में टकरा गई। अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी कर नाग कुमार ने बाबा भैरोनाथ की तरफ छोड़ी। बाबा भैरोनाथ ने अपने मुंह की नागमणि निकाल कर नाग कुमार की तरफ उछाल दी, और इससे पहले वह बच पाता नागमणि से आग निकाल कर उस पर पड़ी। नाग कुमार का शरीर धौं धौं करके जलने लगा। जल्दी ही उसका शरीर जलकर राख हो चुका था। इधर बाबा भैरोनाथ भी मृत्यु के निकट थे। स्वामी बाबा, दुखी मत हो पुत्रो, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, अपितु ये सोचकर मुझे खुशी है कि मेरे प्राण एक दुष्ट का अंत करने के बाद निकल रहे हैं। इतना कहकर बाबा भैरोनाथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भैरोनाथ के मरते ही विषदत्त भी वहाँ से गायब हो गया। अरे तभी महाराज को होश आ गया। पिताजी बच गए। फिर महाराज मांगधेय सेन और विक्रम सेन बाबा भैरोनाथ की शव यात्रा बड़े धूमधाम से निकाल कर शमशान ले गए। भैरो बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और शमशान में भारी मन से विक्रम सेन ने बाबा भैरोनाथ की चिता को अग्नि दिखा दी। आप धन्य है बाबा,
अपना जीवन समाप्त कर दूसरों का जीवन बचाया। आप वास्तव में धन्य है। समाप्त।